यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 10वां दिन। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर दिख रहा है तबाही का मंजर। रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटे कीव के लिए भारी है। कीव पर रूसी हमले पर पेंटागन का अलर्ट, कहा उत्तरी कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूक्रेन के डिफेंस और एक ब्रिज को उड़ा देने के बाद रूसी सेना के कदम कुछ धीमे पड़े हैं। यूक्रेन के चार्निहिव पर कब्जे की लड़ाई हुई तेज। रूस के हवाई हमले में अब तक 47 सिविलियंस की जान गई। मारियोपोल शहर के पास से सामने आई दिल दहलाने की तस्वीर। रूसी मिसाइल लॉन्चर से एक के बाद एक दर्जनों मिसाइल फायर किए गए। युद्ध के 9वें दिन भी राजधानी कीव में हमले जारी थे। बमबारी के बाद लगी भयानक आग। कीव के पास वेयरहाउस पर मिसाइल अटैक। कॉस्मेटिक कंपनी का वेयरहाउस पूरी तरह से तबाह हुआ। रूसी सेना का मेलिटोपोल के टेलीविजन टावर पर कब्जा। मेलिटोपोल सिटी काउंसिल ने दी जानकारी। खारकीव के उत्तर पूर्वी इलाके में भी जबरदस्त हमला। बमबारी में पूरा इलाका तबाह हुआ। सुमी इलाके में रूसी सैनिकों ने एम्बुलेंस को बनाया निशाना। गाड़ी पर गोलियों की कई निशान नजर आए। रूसी सेना ने जाइटोमिर शहर में एक और स्कूल को उड़ाया। यूक्रेन का दावा, कई स्कूलों को बनाया जा चुका अब तक निशाना। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में घुसी रूस की सेना। दोनों देशों के सैनिकों में हुई भीषण लड़ाई। मेलितोपोल में एक अस्पताल पर हमला हुआ। रूसी सैनिकों ने जबरदस्त गोलीबारी की। यूक्रेन के एनहोरदार शहर में रूसी सेना घुसी। शहर में दिखा टैंकों का काफिला। यूक्रेन ने रूस के सुखोई विमान को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले में 3 यूक्रेनी सैनिकों की जान गई, 2 जख्मी हैं। हमले में दुनिया के सबसे लंबे ट्रांसपोर्ट विमान एंटोनोव 225 को भारी नुकसान हुआ। फैक्ट्री में खड़ा विमान हुआ कबाड़। पोक्रोवस्क में रूस ने दागा क्लस्टर बम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कीव के पास तुर्की के मानवाधिकार कार्यकर्ता एयर स्ट्राइक के बीच फंसे लोगों तक राहत पहुंचा रहे थे। मारियोपोल के मेयर ने की मदद की अपील। मानवीय कॉरिडोर बनाने की वकालत की। रूस के हमले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा यूक्रेन। युद्ध रोकने की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। आज या कल हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा रूस के अधिकारियों के संपर्क में है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछली 2 मुलाकातें रही बेनतीजा। यूक्रेन के डीमिलिट्राइजेशन पर अड़ा है रूस। व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर से बातचीत के दौरान कहा यूक्रेन के साथ शांति के पक्ष में बातचीत तभी संभव है जब सभी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को लेकर बातचीत हुई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता को तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा भागा नहीं, कीव में ही हूं। रूसी मीडिया ने पोलैंड भागने का दावा किया था। जेलेंस्की ने की यूरोप के यूक्रेन के पक्ष में आने की अपील, कहा यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर 3 बार हुआ जानलेवा हमला, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, अमरीका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर लगातार दबाव बना रही है। यूक्रेन युद्ध पर नेटो ने दी बड़ी चेतावनी, कहा पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी। पुतिन बोले पड़ोसियों पर हमले का कोई इरादा नहीं है। नेटो प्रमुख का बयान, बोले पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कम करके आंका। नेटो ने ट्वीट करके कहा हम पुतिन से इस युद्ध को तुरंत रोकने और कूटनीति में शामिल होने की अपील करते हैं। नेटो चीफ ने जताई आशंका, कहा आने वाले दिनों में युद्ध में हालात और खराब होंगे। यूक्रेन संकट पर ईयू और नेटो देशों की बैठक। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो की बैठक में लिया हिस्सा, कहा मेरा मैसेज है यूक्रेन को सीरिया बनने न दें। दिमित्री कुलेबा की 2 टूक, हम लड़ाई जारी रखेंगे लेकिन त्वरित और ठोस कार्रवाई के लिए पार्टनर की जरूरत है। यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से दुनिया में हड़कंप। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा। रूस के विदेश मंत्री के बयान को यूक्रेन ने बताया झूठ। रूस ने न्यूक्लियर आर्सेनल को रीस्टोर करने की बात कही। यूक्रेन का बड़ा दावा, युद्ध विराम पर जोर दे रहा है रूस, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो क्रूर दिखना नहीं चाहता। अमेरिका ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले को बताया वॉर क्राइम, कहा रूस ने दहशत वाला एक कदम बढ़ाया। यूक्रेन के परमाणु संयंत्र को कोई खतरा नहीं, IAEA के जनरल डायरेक्टर ने कहा रेडिएशन का रिसाव नहीं हुआ है। IAEA ने रूस और यूक्रेन में जल्द दौरे की बात कही, कहा प्लांट की जांच जरूरी है, यूक्रेन के हालात चिंताजनक हैं। परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस पहले से ही न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी में था। UNHRC में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग। यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन की होगी जांच।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएनएचआरसी में हुई वोटिंग का स्वागत किया, कहा रूस को अब जवाब देना होगा। यूएनएचआरसी में वोटिंग से भारत दूर रहा, रूस के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन को लेकर हो रही थी वोटिंग। G7 देशों में बनी सहमति, कम की जानी चाहिए रूस गैस पर निर्भरता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। यूक्रेन को $10 बिलियन की मदद देगा अमेरिका, व्हाइट हाउस अमेरिकी कांग्रेस को भेजेगा प्रस्ताव। रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन, रूस के S-1 डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों की तारीफ की, कहा यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य ऑपरेशन के तहत चलें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी सभी देशों से अपील, कहा प्रतिबंध न लगाएं, रूस अपने दायित्व को पूरा करेगा। रूस में सेना के फिलहाल फेक न्यूज फैलाने पर होगी जेल, राष्ट्रपति पुतिन ने नए कानून पर दस्तखत किए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुतिन से 2 घंटे बाद की, बोले हमले में शामिल नहीं होगी हमारी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जापान के पीएम से बात की, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर जानकारी दी। यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर सख्त यूरोपीय संघ, रूस और बेलारूस के साथ सीमा पार सहयोग कार्यक्रम निलंबित किया। नाटो से यूक्रेन को फिर लगा झटका, मित्र देशों ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाने के अनुरोध को खारिज किया। अमेरिका ने कहा यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन की जरूरत नहीं, यूक्रेन ने की थी नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग। नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करने से नाटो पर भड़के ज़ेलेंस्की, कहा ऐसा करके नाटो ने यूक्रेन के शहरों और गांवों पर बमबारी की परमिशन दे दी है। अमेरिका ने कहा नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का मतलब यूक्रेन एयर स्पेस में नाटो प्लेन को भेजना होगा, इससे यूरोप में युद्ध भड़क सकता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनियन भाषा में किया संबोधित, कहा हम सभी यूक्रेन का समर्थन करते हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा हमने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, रूस के रुकने तक उस पर दबाव बनाए रखने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा वर्ल्ड बैंक यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है, यूक्रेन को $3 बिलियन की मदद की जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की मांग, कहा रूस को इंटरपोल से बाहर किया जाए। रूस ने फेसबुक पर लगाया प्रतिबंध, मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ भेदभाव का हवाला दिया। जंग के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है, ओब्लास्ट में ट्रेन पकड़ने के लिए मची अफरा तफरी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस के हमले से 24 फरवरी के बाद 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूक्रेन फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है, ट्रेन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पैनासोनिक ने रूस के साथ कारोबार को किया सस्पेंड, यूक्रेनियन की मदद के लिए पॉलिश रेड क्रॉस को देगा $173 मिलियन। रूस एयरलाइन एरोफ्लोत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग सिस्टम से हटा दिया गया है। आज यूक्रेन आएंगे 2200 से ज्यादा मेडिकल छात्र, 11 सिविलियन और 4 एयरफोर्स के विमानों से लाया जाएगा। 11 में से 10 सिविलियन विमान दिल्ली में लैंड करेंगे, जबकि 1 मुंबई में लैंड होगा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कुल 48 फ्लाइट से छात्रों को भारत लाया गया, पिछले 24 घंटे में 18 विमान भारत आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने छात्रों को के बंधक बनाए जाने की खबरों को फिर से खारिज किया, कहा छात्रों के सामने यूक्रेन में सुरक्षा का संकट है लेकिन बंधक कोई नहीं है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा, रोमानिया के बुखारेस्ट से भरी थी उड़ान। विदेश मंत्रालय ने रोमानिया में मौजूद भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, 24 घंटे में मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे हरजोत सिंह का छलका दर्द, कहा मरने के बाद सरकार प्लेन भेजे तो कोई फायदा नहीं। यूक्रेन में घायल हरजोत सिंह के इलाज का खर्च भारत सरकार उठाएगी, विदेश मंत्रालय ने कहा संपर्क साधने की कोशिश जारी है। यूक्रेन रूस युद्ध का भारत पर भी असर, गुजरात में होने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 पोस्टपोन हुआ। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सुबह 11 बजे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ करेंगे चर्चा। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 12 बजे खजूरी और मिर्जा मुराद में होनी है जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी आधी रात अचानक पहुंचे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, मौजूदा कर्मचारियों से जाना सुविधाओं का हाल। सोनभद्र, भदोई और आजमगढ़ में आज गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जौनपुर में जनसभा करेंगे, सुबह 11 बजे मल्हनी में आयोजित होनी है जनसभा। अखिलेश यादव आज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में होना है कार्यकर्ता सम्मेलन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भदोई में जनसभा करेंगे, सुबह 11 बजे भदोई में के ज्ञानपुर में रैली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, मिर्जापुर परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे आयोजित होगी जनसभा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज डाले जाएंगे वोट, 6 जिलों के 22 विधानसभा सीटों पर 92 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दूसरे और आखिरी चरण में पूर्व सीएम इबोबी सिंह समेत कई दिग्गज हैं मैदान में, 28 फरवरी को हुआ था पहले चरण का मतदान। पाकिस्तान के FATF ने एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डाला, ग्रे लिस्टिंग की वजह से पाकिस्तान को आयात निर्यात पर गहरा असर पड़ेगा। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई
स्पिनर शेन वॉन का थाईलैंड में निधन, 52 साल के थे शेन वॉन। थाईलैंड में अपने विला में थे शेन वॉन, कमरे में अचेत पड़े थे वॉन, दिल का दौरा हो सकती है उनकी मौत की वजह। करिश्माई लेग स्पिनर की मौत से क्रिकेट जगत में शोक की लहर, 19 साल तक क्रिकेट में छाए रहे वॉन, 2007 एशेज में खेला था आखिरी टेस्ट मैच। वॉन ने अपने करियर में 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए, वनडे में 293 विकेट और T20 में 70 विकेट शेन वॉन के नाम है। मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत, पहले दिन 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए, कप्तान रोहित शर्मा ने 29 रन बनाए। 100वां टेस्ट खेल रहे विराट कोहली ने 45 रन बनाए, स्टंप्स तक रविंद्र जडेजा 45 रन और रविचंद्रन अश्विन 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने खेली धमाकेदार पारी, 90 गेंदों में 96 रन बनाए, पारी के दौरान 4 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।